हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में एक रॉयल इनफील्ड बुलेट लेके आया हूँ, जिसका आज हम पूरा रिव्यू देंगे। कैसी चलती है, कितने दिन की हो गई है, और ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है अपनी बुलेट, इलेक्ट्रा मॉडल है, 2002 मॉडल है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं आपको इसका एवरेज। तो बताइए भाई, कितना क्या एवरेज है इसका? एवरेज अभी तो ये 18 के आसपास है, है ना? तो मतलब अगर आप बुलेट मतलब इसको मीडियम लेवल में अगर चलाएंगे तो कम से कम 21 तक खींच जाती है ना? ओके। तो दोस्तों, ये है इसकी बैक लाइट जो कि ओल्ड मॉडल की है। ये है इसके इंडिकेटर्स। ये है इसका साइलेंसर जो स्टॉक है, जो कंपनी से आया था वही स्टॉक। इसमें रॉयल इनफील्ड की बैजिंग भी है। म्यूजिक लाइक सोल टू लीव दोस्तों, अगर आपको दिख रहा हो। ये उसका टायर शायद एक बार चेंज हो चुका है इसका। यहाँ पे फिर से रॉयल इनफील्ड 350 350 cc इंजन है ये। और ये रहा इसका इंजन भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और ये रहा इसका हॉर्न बजा के सुनाओ। ठीक है, ये इसके गियर लीवर्स। और ये रहा इसका दोनों गियर, इंजन, आगे पुलिस की बैजिंग, क्योंकि भाई ये पुलिस भाई साहब की गाड़ी है अपनी। ये रही इसकी हेडलाइट। ये रही इसकी छोटी वाली लाइट जो कि हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मेरी वाली लाइट। और इसका जो आगे वाला मडगार्ड है वो क्रोम में आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रा मॉडल है। पढ़ते हैं इसके मीटर की तरफ। ये है इसका एम्पियर मीटर, इसको मिलाने के बाद हम बुलेट को स्टार्ट करते हैं। ये है इसके लाइट के स्विच। ये है इसका हॉर्न। ये है एम्पियर मिलाने वाला। और ये है ऑन ऑफ का स्विच, इग्निशन स्विच। ये है, सब दिखाते हैं आपको इसके साइड से इंजन। ये है इसका फ्यूल गेज, फ्यूल यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये है इसकी चाइनीज पॉकेट। ये है इसका ब्रेक जो है दोस्तों उल्टे साइड में रहता है, तो अगर आप पहली बार बुलेट को चलाएंगे तो थोड़ा धोखा हो सकता है आपको। और बस यही है भाई, इसका साउंड सुनाओ एक बार, स्टार्ट करो। नॉर्मल छोड़ दो, फिर से छोड़ दो। हल्का हल्का इसको चला के दिखाएगा, चला के छोड़ोगे
आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। भाई कुछ बोलेगा और शेयर कर दीजिएगा आप प्लीज़।